वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर ऑफ पार्ट टू केमिकल काइनेटिक्स. इन क्वेश्चन नंबर 17 इट हैज बीन टोल्ड दैट इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 150 किलोजूल पर मोल एंड दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज 260 किलोजूल पर मोल, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज. वी हैव ऑलरेडी डन इन 16 और 15 क्वेश्चन अबाउट एंथैल्पी चेंज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 150. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर 150 किलोजूल एंड रिवर्स वन इज द रिवर्स वन इज 260 किलोजूल पर मोल. रिवर्स रिएक्शन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड. सो दिस द केस हियर इज अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ फिगर फर्स्ट. ओके, नंबर 17 सॉल्यूशन आई विल ड्रॉ ग्राफ. ओके, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन वी नो दैट द प्रोडक्ट मस्ट बी हियर. इफ दिस इज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट से नीचे आना चाहिए इसका. ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट आर. ये जो है यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस, ठीक है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 150 दिया हुआ है यहां पर. ठीक है, एंड द एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर विच इज द रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए ये जो है ये दिया जाता है रिवर्स रिएक्शन के लिए, और रिवर्स रिएक्शन के लिए 260 है केजे पर मोल. ओके, देखते ही लग रहा है कि हम लोग यहां से यहां एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, वो 150 है, और यहां से यहां से जो एनर्जी है रिवर्स के लिए, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के लिए एटलीस्ट इसको 260 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. ठीक है, 260 इज ग्रेटर देन 150, रिवर्स रिएक्शन ज्यादा है. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डेलेज निकालेंगे, देखिए डेलेज क्या होता है, यहां से यहां तक का एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेलेज. हम लोग फॉरवर्ड से देखिए फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड का जो एनर्जी है, ठीक है, फॉरवर्ड का जो एनर्जी है माइनस बैकवर्ड का जो है एनर्जी, जिसको हम लोग रिवर्स एनर्जी बोलते हैं, या बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको रिवर्स. ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स एनर्जी को अगर हम लोग घटाएंगे तो डेलेज आ जाएगा. ठीक है, तो फॉरवर्ड का क्या 150 माइनस 260 केजे पर मोल. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है, लगभग माइनस में आएगा 110 केजे पर मोल. ठीक है, सो आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17 के लिए. ठीक है, नंबर 18 के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेड डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम द 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. अब बोला गया अगर टेम्परेचर राइज कर जाए 20 से 35, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अगर राइज कर रहा है तो रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. यहाँ रेट का मतलब हो रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट जो है वो डबल हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग एक रिलेशन खोजना पड़ेगा या हम लोग को मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या है विद रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए क्योंकि पूछा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा. तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 18 नंबर के सॉल्यूशन में देखिए ये पढ़े हुए होंगे लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 RT करते थे, यही T को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. ठीक है, अब देखिए 35 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है, मतलब क्या हो गया कि 35 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को चेंज क्या चीज में करना पड़ेगा, हम लोग को चेंज करना है केल्विन में. केल्विन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 308 और अगर हम लोग इसको करेंगे 273 प्लस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 270 80 90 293. ठीक है, 293 आ रहा है,
273 प्लस 35 करेंगे तो 300 लगभग 8 आ रहा है, ठीक है, 70, 80, 90, 100, 100, 308 और क्या है 293 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते चलते हैं। देखिए ई ए बाई 2.303 आर है, आर का हम लोग को मालूम 8.31, ठीक है, 8.31 हो गया। और इसका जो है 1/T1 करेंगे अगर हम लोग, तो 1/T1 जो है तो पहले वाला जो टेम्परेचर 20 है, 20 का 293 हो गया माइनस 1/308 करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है आपको 3a/a/2.303 इंटू 8.31, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 308 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 308, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 308 माइनस 293 अगर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली क्या आने वाला है, 15 ही आएगा शायद, अगर करेंगे तो यहाँ पे 15 ही आएगा। इधर इधर 7 हो गया, 7 और 8, 7 से 41, 15, 15 आ रहा है। तो ई ए बाई 2.303 इंटू 8.31 इंटू 293 इंटू 308 और ऊपर आपको ई ए इंटू 15 आ रहा है, ठीक है। और लॉग के टू, देखिए के टू पहले पहले बता दिया गया है हम लोगों कि लॉग क्या है, ट्वाइस के वन हो जाएगा ये, और ये के वन कट जाएगा तो लॉग टू ही आएगा, ठीक है। हम लोग को ई ए निकालने के लिए क्या कर लेंगे, अब सिंपली ई ए को इधर रखेंगे और लॉग टू का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, लॉग टू का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.30 समथिंग, नहीं 0.3 के आसपास ही आता है। तो लॉग टू को हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, लॉग टू इंटू 2.303 इंटू 8.31 इंटू 293 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को क्या आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके आसपास 34.7 के आसपास कुछ आंसर आने वाला है, 34.7 आने वाला है किलो जूल, ठीक है, केजी पर मोल। तो आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, लगभग इसका सी के साथ ये मैच कर गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है लॉग टू का वैल्यू 0.301 होता है बोल के आपको याद होना जरूरी है, कुछ लॉग का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए 1 to 10 तक, नहीं लॉग 1 से लॉग 10 तक, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आ ही रहा होता है लॉग का फॉर सीबीएसई बोर्ड बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। सो 34.7 आ रहा है, ठीक है, आप लोग शायद इसको नोट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2a बनकर कुछ प्रोडक्ट्स बन रहा है, ए प्लॉट ऑफ लॉग टी हाफ, टी हाफ और लॉग ए का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते वक्त उसमें क्या ए क्या है, यहाँ पर ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल ए जो दिया गया है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग को खोजना है कि इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग को रिलेशन मालूम होना जरूरी है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सेकेंड सेकेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 जो के का होता है 2.303 बाई टी, फिर जाके हम लोग क्या करते हैं लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या जनरली हम लोग लेते हैं, देखिए 19 नंबर का जो है सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लेते हैं, जो हम लोग के निकालते हैं उस वक्त, तो के हो जाएगा आपको 1 by a naught minus 1 by a, ये जो फॉर्मूला है आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट से रिलेटेड फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें पहले बता दिया कि टी हाफ ये जो है
सो स्टूडेंट्स ड्यू टू सम स्पेस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू 19 नंबर हियर ओके 19 नंबर का जो हम लोग सॉल्यूशन है ठीक है 19 नंबर का जो सॉल्यूशन है 19 नंबर ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फॉर अ सेकेंड ऑर्डर इस बार सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया ठीक है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट्स ठीक है और ए प्लॉट ऑफ लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए बताया गया है यहाँ पे हम लोग को मालूम है क्या के जो हम लोग को के का जो फॉर्मूला है वो किस तरह होगा वन बाई टी वन बाई ए माइनस वन बाई ए नॉट ए क्या है ए जो है यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी टी सेकेंड टी मिनट टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ए है ए इज द इनिशियल ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए नॉट ही ए होगा क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया ए स्मॉल ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो ए नॉट को हम लोग बाद में ए लिख लेंगे फिलहाल अभी ये लिखते हैं वन बाई टी वन बाई ए नॉट बाई टू हो जाएगा क्यों बिकॉज इफ दिस टी इज टी हाफ के वक्त क्या हो जाता है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो हाफ बच जाता है जिसके वजह से हम लोग ए नॉट बाई टू लिखे हुए इसको क्या लिखा जा सकता है जैसे टी हाफ कैन बी रिटेन एज वन बाई के टू माइनस वन बाई ए नॉट ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वन बाई के ए नॉट ठीक है अब टी हाफ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं देखिए टी हाफ को हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ को अगर लॉग लॉग में लिखा जाए क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से पूछा गया है कि लॉग टी हाफ नहीं हाफ टाइम हाफ लाइफ वर्सेस लॉग ए बताया गया तो हम लोग को लॉग लेना ही पड़ेगा दोनों तरफ अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग के माइनस लॉग ए नॉट को हम लिख रहे हैं अभी ए ठीक है क्योंकि ए नॉट को ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के मुताबिक क्या है ए नॉट ए लेना है हम लोग को तो अगर ये रिलेशन है इसको अगर हम लोग वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप कंपेयर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को तो वाई देखिए वाई को क्या चीज में बनाना है हम लोगों को देखिए वाई इंटरसेप्ट को क्या बनाना है लॉग टी हाफ ठीक है अब लॉग टी हाफ है और एक्स क्या लेना है देख लीजिए माइनस के ठीक है माइनस लॉग के माइनस लॉग ए अब एक्स को हम लोग क्या लेना है लॉग ए अगर एक्स है देखिए लॉग ए अगर एक्स है देन माइनस वन विल बी द इंटरसेप्ट माइनस वन विल बी द स्लोप माइनस वन क्या हो गया स्लोप हो गया इसका अगर नेगेटिव स्लोप जब आ रहा है और यहाँ का जो इंटरसेप्ट है सी क्या है देखिए सी जो है वो लॉग ए है मतलब यहाँ जो इंटरसेप्ट बनेगा ये वो लॉग ए हो लॉग के होगा ठीक है लॉग के हम लोग इसको सी मान चुके हैं तो क्वेश्चन के मुताबिक ये जो होगा इंटरसेप्ट लॉग के हो जाएगा इसको लॉग के मान रहे हैं तो इंटरसेप्ट कुछ इस तरह क्यों जाएगा क्योंकि अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के यहाँ से एंगल निकालेंगे जो वो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा क्यों क्योंकि नेगेटिव है स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री अब यहां से क्या हो गया ये लाइन इधर ही से क्यों गया इधर से क्यों नहीं गया क्योंकि अगर नेगेटिव होता है तो स्लोप इस तरह बनता है ठीक है लाइन अगर पॉजिटिव होता है तो इस तरफ से कंपेयर करने से क्या हो गया यहाँ पे लॉग ए को माइनस वन आ रहा है हम लोग एम का वैल्यू अब यहां से आंसर क्या आएगा तो फिर ए बी सी डी में क्या मैच कर रहा है ये हम लोग का डी मैच कर गया लॉग के ठीक है लॉग के हैज बीन मैच्ड आप लोग नोट कर सकते हैं इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो है 20 नंबर का सोल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे ठीक है 20 नंबर में बताया गया कुछ एक इक्वेशन दिया गया है 3 BrO- BrO3- + 2 Br अगर इसको हम लोग
रेट लॉ के हिसाब से अथवा रेट का जो इक्वेशन होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, उस हिसाब से अगर रिएक्टेंट का लिखेंगे इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, जो कॉफिशियंट से डिवाइड होगा पहले, फिर डी बी आर ओ माइनस बाई डी टी, ठीक है। और यही बराबर क्या चीज के साथ हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ लेंगे तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, रिएक्टेंट तरफ नेगेटिव लिया जाता है, डी बी आर ओ 3 माइनस बाई डी टी। यहाँ पे कोई भी कॉफिशियंट नहीं है इसीलिए हम लोग कॉफिशियंट से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, माइनस नहीं प्लस ही होगा, 1 बाई टू प्रोडक्ट है डी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डी बी आर माइनस बाई डी टी, ठीक है। इधर से अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है, डी बी आर माइनस बाई डी टी हो गया। अब गौर से यहाँ देखिए, आप पहले से बताया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि के वन के टू के थ्री का, कि यहाँ डी बी आर ओ माइनस बाई डी टी अगर लेंगे तो के वन हो जाएगा, ये जो है ये पूरा क्या चीज़ में चेंज हो जा रहा है, 1/3 तो रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव डी आर बी आर ओ माइनस बाई डी टी को के वन बी आर ओ माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, के वन बी आर ओ माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह बी आर ओ थ्री को क्या लिखेंगे, यहाँ पे के टू बी आर ओ माइनस का होल स्क्वायर, उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 के थ्री बी आर ओ माइनस का होल स्क्वायर। देखिए ये सारा तो कट जाएगा आपस में, अगर रिलेशन निकाला जाए तो बी आर ओ माइनस होल स्क्वायर सब में सिमिलर है, तो एक्चुअली क्या निकलेगा, के वन बाई थ्री इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई टू। रिलेशन अगर हम लोग देखना चाहेंगे, ये के थ्री है, के वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वन विल बी इक्वल टू, एक्चुअली यही रिलेशन अगर हम लोग लेके चलें, ये भी करेक्ट ही आंसर, अगर ऑप्शन में कुछ और दिया गया हो, जैसे हम लोग देख सकते हैं के वन बाई थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वन ही अगर इसको लिया जाए, इसको अगर के वन ही लेंगे तो थ्री को किधर डाल सकते हैं हम लोग, थ्री को इस इधर डाल सकते हैं हम लोग, तो थ्री के टू लिख सकते हैं, और 1/2 को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए थ्री यहाँ से थ्री हटा रहे हैं, यहाँ पे थ्री डाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के थ्री भी क्या चीज हो जाएगा, थ्री से हम लोग वो करना है, 3/2 क्या हो जाता है, मतलब हम लोग मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं एक तरह से, ये सोचिए ना, मल्टीप्लाइंग बाई थ्री तीनों तरफ, ये तो तीन तो कट गया, यहाँ पे तीन रह जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 k3, ठीक है। दिस इज द करेक्ट रिलेशन, अगर ऑप्शन में ये दिया गया तो ये लिखिए, ये दिया गया तो ये लिखिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का पार्ट टू भी फिनिश हो चुका है, ओके, नोट इट डाउन।